अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सी एस 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में समझाऊंगा। इसका असाइनमेंट नंबर 1 है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि मैंने अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है और सिर्फ ये मैंने सर्च किया नेट पर, और उसके बाद मेरे पास सिर्फ जो है वो एक दिन मिलता है संडे का। उसमें मुझे पाँच से छः असाइनमेंट अभी अपलोड करना है। तो सारी मैंने जो मेरी सी एस 610 पे लग चुकी है, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो ये वीडियो ऊपर आई बना हुआ रहा या फिर वीडियो के एंड में जाके आप देख लीजिएगा। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो अब मेरे पास टाइम है नहीं। तो फिलहाल मैं सर्चिंग में हूँ, तो इसका मुझे कोड वगैरह मिल गया है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप छोटे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ और ताकि आप लोगों को कोड मिल जाए। बाकी आप लोग कोड आपके हाथ में होगा तो आप नेट के ज़रिए या किसी और यूट्यूब के ज़रिए आप इसको देख के समझ सकते हैं और अपना टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो बेसिकली तो आप इस असाइनमेंट में जो आप लोगों को कोड मिल जाएगा, तो कोड जो है वो मैं अपने ईमेल आईडी सेंड कर दूँगा या मैं अपना व्हाट्सअप लिंक सेंड कर दूँगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप कोड मिल जाएगा। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट टाइम पर सबमिट हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का असाइनमेंट बन दिया गया है, इसके जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स का है, उसके ड्यू डेट है 26 नवंबर, ठीक है। तो इसमें लिखा है असाइनमेंट सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर फाइल करप्ट हुई तो फिर भी नहीं होगा, और अगर कॉपी होगा तो फिर भी नहीं होगा, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो डेव C++ यूज़ करना है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के यानी इस फाइल में आप असाइनमेंट सबमिट करवाना होगा आपने, ठीक है। तो डेव C++ आपके पास होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा इसके बारे में। अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट सबमिशन इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आपका असाइनमेंट जो है आपका सबमिट .cpp फाइल, ये क्या होती है? ये जब आप डेव C++ इंस्टॉल कर लेंगे, इसमें आप कोड लिखेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिक जब आप सेव करेंगे तो C.pp फाइल में सेव हो जाएगा वो, या आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपका असाइनमेंट फाइल होनी चाहिए, वरना फिर आपका असाइनमेंट अगर आपने नोटपैड के फॉर्म में दे दिया तो आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा, 0 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। तो सबसे पहले आता है असाइनमेंट में है क्या। असाइनमेंट में कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ABC ऑर्गेनाइजेशन गिवन बिलो, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC, ठीक है, उसका नाम है। अब उसके अंदर जो है वो 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। नंबर 1 में अब आपको कह रहे हैं कि देर आर 10 एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 10 एम्प्लॉय हैं, इसमें से क्या है 2 में, 2 में ये कह रहे हैं देर आर 2 एम्प्लॉय ऑफ लेवल A, ठीक है, और लेवल B। वो कह रहे हैं 2 एम्प्लॉयज़ जो है वो लेवल A के हैं, 3 एम्प्लॉयज ऑफ B, ठीक है। 2 एम्प्लॉय जो है वो लेवल A के हैं, 3 एम्प्लॉय जो है लेवल B के, और 5 एम्प्लॉयज़ जो है लेवल C के हैं, ठीक है। अब लेवल A, B, C के है वो नंबर 3 पर बताया आपको। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिया है सैलरी इज़ गिवन बिलो, ठीक है। अब सैलरी ऑफ लेवल A एम्प्लॉय, अब सैलरी जो है वो लेवल A की वो है 125,000। इसी तरीके से लेवल B की जो सैलरी है वो है 80,000, और लेवल C की एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो है 45,000, ठीक है। अब हमें करना क्या, वो कह रहे हैं नंबर 4 पॉइंट में कि 600 रुपये जो है वो डिडक्ट होनी चाहिए फ्रॉम द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय अगेंस्ट स्टाफ वेलफेयर फंड, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि 600 रुपये जो है वो हर बंदे के सैलरी में से कटने चाहिए अगेंस्ट स्टाफ वेलफेयर फंड, यानी स्टाफ की सैलरी में से कटे और वो जाए 600 रुपये किसमें, वेलफेयर फंड में जाए, ठीक है। एक तो ये बात दी है। पांचवे पॉइंट पर वे कह रहे हैं एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉयज मोर देन 6 लाख, ठीक है। एनुअल सैलरी क्या होती है, यानी सालाना सैलरी जो है ऑफ एन एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी सालाना सैलरी जो है 6 लाख से ऊपर होती है, तो उस पर 1% टैक्स माइनस होगा फॉर सैलरी ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने में से 1% जो है उसका सैलरी में से टैक्स माइनस होगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट दिए गए हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ए C++ प्रोग्राम विच फंड्स, तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर फंड्स इंक्लूड हों, ठीक है। तो इसमें थोड़ी इंस्ट्रक्शन दी हुई आपको किस तरीके से बनाना है। इसमें लिखा हुआ टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। हर एम्प्लॉय का मंथली टैक्स जो है कटने के बाद जो अमाउंट आ रही होती है वो इसमें आना चाहिए। और सेकंड पॉइंट में है कि टोटल मंथ ऑफ वेलफेयर फंड कलेक्ट ईच मंथ फॉर ऑल एम्प्लॉय, यानी टोटल अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड, यानी जितना भी अमाउंट टोटल इकट्ठा किया है हर एम्प्लॉय में से फंड के लिए, तो मंथली उसकी क्या इनकम आ रही है, यानी अगर एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं तो उसमें मंथली सैलरी जो कट रही है, तो मंथली उनके पास हर एम्प्लॉय में से 600 रुपये कट कर कितने पास उनके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 में उन्होंने हिंट ये दिए कि नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय लेवल A, B, C, तो हिंट ये दिए कि नेट एम्प्लॉय जो होगा, नेट एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो इक्वल टू होगी किसके, ऑरिजिनल सैलरी, यानी सप्लाई की ऑरिजिनल सैलरी क्या है, जैसे ऊपर दिया होता है 125,000 माइनस कर देगा मंथली टैक्स, जो मंथली टैक्स वो दे रहा है, ठीक है। 6 लाख का 1% निकाल लेंगे, तो वो निकालेंगे कोडिंग में, वो बहुत सिंपल है, आप 6 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 1 से और डिवाइड कर दें 100 से, जो सिंपल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो वो आपने यहाँ निकालना होगा ऑरिजिनल सैलरी, इसमें से माइनस कर देंगे मंथली टैक्स और मंथली वेलफेयर फंड, ठीक है। और मंथली वेलफेयर फंड कितना है, 600 है,
ठीक है, तो ये सब उसे माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट मंथली सैलरी आ जाएगी बंदे की। ऐसी बात है, जब एक बंदे की सैलरी अगर 1 लाख है, उसमें से वो टैक्स निकाल लेगा, फंड निकाल लेगा, तो उसके पास क्या बचेगा, वो उसकी मंथली सैलरी कराएगी। सिंपल सी आपको यहाँ हिंदी भी उन्होंने। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नंबर 4 में क्या, टोटल अमाउंट विच ऑर्गेनाइजेशन पे टू इट्स एम्प्लॉय ईच मंथ। अब टोटल अमाउंट क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है ईच मंथ हर एम्प्लॉय को हर महीने, तो वो इसमें बताना है। और ऑल्सो क्रिएट अ मेन्यू। अब वो कह रहे हैं कि 5 पॉइंट में ऑल्सो का एक मेन्यू बनाओ यूजिंग इफ एल्स कंडीशन, यानी कंडीशन पर डिपेंड करे, इफ आई यूजर वांट टू नो अबाउट द सेपरेट टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए बी एंड सी। ठीक है, आप एक इफ एल्स कंडीशन बनाओ जिसमें यूजर को पता चले कि ए बी सी एम्प्लॉय कितने टैक्स कट रहे हैं। ठीक है, इफ आई यूजर वांट टू नो अबाउट द सेपरेट टैक्स कलेक्शन, यानी टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है ए बी सी एम्प्लॉयज का। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं इफ आई यूजर एंटर 1, अगर यूजर एंटर करे 1 यानी लेवल ए एम्प्लॉय के लिए, लेवल ए को हमने कोड दिया है 1 का, अगर वो एंटर करे तो लेवल ए एम्प्लॉय का टैक्स सामने आ जाए। इसी तरीके से क्या है, लेवल टू और यहाँ पर उन्होंने गलती की है लेवल 3। ठीक है, अगर वो लेवल 3 अगर वो 3 एंटर प्रेस करे, यानी वो 3 प्रेस करे, तो लेवल सी के एम्प्लॉय का टैक्स कट कर सामने आ जाए। ठीक है, इफ़ यूज़र इनपुट रॉन्ग नंबर देन मैसेज विल बी शो इनपुट करेक्ट। ठीक है, अगर एम्प्लॉय जो है गलत नंबर डालता है तो वो उसको इनकरेक्ट इनपुट दिखाए। जहाँ पर जो है आप लोगों का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, अगर आप कमांड चलाएंगे पूरी कोडिंग प्रॉपर करेंगे, उसके बाद ये अमाउंट उन्होंने हाइड की हुई है। ठीक है, थोड़ी सी छोड़ी हुई ताकि आप लोग समझ में आ जाए सही है या गलत। ठीक है, तो आपका ये अमाउंट आनी चाहिए। और सेकंडली जब आप करें तो इस तरीके से लिखा हुआ है, और जब आप प्रेस करें यहाँ पे उन्होंने लेवल ए किया, तो हम एंटर करेंगे 1, तो वो 2500 अमाउंट जो दिखाई दे रहा है 2500 लिखा हुआ है, 2500 अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, तो इससे आप चलते हैं इसी कोड की तरफ। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया हुआ है कोड। ठीक है, दे सकते हैं ये। सबसे पहले आप अपने मेन में अपने लिखते कमांड इंक्लूड आयो स्ट्रीम नेम स्पेट एसटीडी। उसके बाद बॉडी में आप देख सकते हैं सैलरीज वगैरह 125,000 80,000 45,000 ये सब हम यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फंड के लिए उन्होंने बनाई हुई अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इफ एल्स के एंड में जाकर अगर आप देखें यहाँ पर उन्होंने इफ एल्स कंडीशन दी हुई है। ठीक है, टोटल ए जो उन्होंने कहा था एल्स ऑप्शन 2 और एल्स ऑप्शन 3 है। ठीक है, तो ये कोड एक मरतबा आप देखना चाहते हो उसको देख लीजिएगा। चलते हैं, तो एक काम करते हैं उसको फिर चला के देखते हैं एक मरतबा। यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है कंपाइल एंड रन। मैं चाहूँ तो F11 प्रेस कर सकता हूँ, मैं क्लिक कर दूँगा या फिर F11। तो ये देखें, यहाँ इसमें कोई एरर नहीं दिया है। देखें, कोई एरर नहीं दिया, इसने विंडोज़ खोल दिया। पर आप अगर मैच करें अपने, ये देखें बिल्कुल सेम जा रहा है, 4900 लिखा हुआ है, 6000 लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ नंबर लिखा हुआ है, यही नंबर लिखा हुआ है, और बॉल का ये नंबर लिखा हुआ है। देखें 715000 यहाँ लिखा हुआ है, पूरा एंटर 1 एंटर बी एंटर सी आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ उन्होंने लिखा हुआ टेस्ट कलेक्शन ऑफ लेवल ए। अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ 1 से क्या आएगा ए, यहाँ देखें मैं प्रेस कर रहा हूँ 1, मैं कर रहा हूँ एंटर किया, तो आप देख लें टेस्ट कलेक्शन ऑफ लेवल एम्प्लॉय 2500। तो देखें यहाँ पर टेस्ट कलेक्शन एम्प्लॉय इस रुपीज़ 2500। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों का ये असाइनमेंट बिल्कुल सेट है, परफेक्ट है, कोडिंग में भी परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, सबमिट करवाने के लिए आपने कुछ करना है, कुछ कमांड चेंज कर दें, कुछ वेरिएबल चेंज कर दें, टीचर है तो फ्लोट वगैरह कर दें, देख के करें कि यहाँ लॉजिक बनती है या नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत इतना बड़ा है नहीं, इसको आप देखेंगे तो आराम से चेंज कर सकते हैं। ए है इसको बी कर दें, अगर ए बी सी है तो सी डी ई कर लें इसको। ठीक है, तो छोटी चेंजिंग कर लें, इतना कोई मसला आएगा कॉपी पेस्ट में। आप पूरा डायरेक्ट करेंगे तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि आप लोगों को कॉपी पेस्ट में कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं, फिर वो होता है भाई कि हमने पूरा सबमिट करवाया, हमें 0 मार्क्स मिल गया, उसको पूरा मिल गया, तो ये सीन होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सेफ जोन रहें, आप कुछ चेंज कर दें। ठीक है, ताकि कोई मसला ना हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों को अगर कोड चाहिए तो मुझे मेल कर दें, मैं ईमेल आईडी दे दूँगी, या फिर सबसे आसान ऑप्शन है व्हाट्सअप लिंक दिया उसको ज्वाइन कर लें और ग्रुप में मैसेज कर दें, आप लोगों को कोड मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।